ओके स्टूडेंट्स, सो यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट. किसी भी पेरेंट के साथ उसके हाइब्रिड का जब हम क्रॉस करवा देते हैं दैट क्रॉस इज नोन एज द बैक क्रॉस. ये मैंने आपको कल भी बताया था. टेस्ट क्रॉस इज क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म विद द डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल. टेस्ट क्रॉस में हम डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव वाले से क्रॉस कराते हैं, बेसिकली ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव वाले से ही क्रॉस कराते हैं. जो ऑफस्प्रिंग है हमारा उसको अगर हम किसी भी पेरेंट के रिसेसिव पेरेंट के साथ किसी भी ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो दैट इज अ टेस्ट क्रॉस. किसी भी ऑफस्प्रिंग को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज अ बैक क्रॉस. तो देखते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का क्या फायदा है. बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर. टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल हम होमोजाइगस रिसेसिव को के साथ जब भी हम क्रॉस कराएंगे ऑफस्प्रिंग का तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या था. कैसे पता चलेगा? मेंडल कंडक्टेड द टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 फिनोटाइप. अब देखो यहाँ पे we are having these F2 organisms. F2 genotype के organisms हैं हमारे पास. What would they do? जब हम इसको test cross के साथ cross करवाएंगे, let me tell you with the help of the whiteboard. देखो students, test cross is a kind of cross जिसमें any offspring that is crossed with the recessive parent. ठीक है, तो we can find the genotype of the offspring by this method. How? देखो, suppose करो अगर हमारा जो offspring है that is offspring है, suppose करो हमारे पास that is a tall. हमें पता करना है ये homozygous tall है या heterozygous tall है. ठीक है, तो फिर हम इसको cross करवाएंगे. When we cross this offspring, when we cross this offspring to the recessive parent, if the resultant organisms, resultant offsprings are all, if the resultant offsprings are all tall, then the offspring was homozygous recessive. Homozygous recessive. If the offspring are dwarf, if some of then the offspring's genotype was heterozygous. So in this way हमें पता चल गया. देखो अगर offspring tall है फिर हमें उसका genotype पता नहीं है कि homozygous है या heterozygous है. अगर offspring ही small है, हम देखते हैं ये next case. अगर ऑफस्प्रिंग ही ड्वार्फ है तो हमें इसका पता है, हमें तो इसका जीनोटाइप पता है कि जीनोटाइप क्या आएगा, टीटी ही आएगा. क्योंकि अगर हेटरोजाइगोसिटी में ही हमेशा रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है.
यस, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको पॉज करके इसको दोबारा से रीड करके देखो, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ इस टेस्ट क्रॉस की क्या एप्लीकेशन थी। दैट इज एनी ऑफस्प्रिंग दैट इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, वी कैन फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय दिस मेथड। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑफस्प्रिंग को जब हम रिसेसिव पेरेंट से, अब देखो किसी भी ऑफस्प्रिंग का मतलब जिस ऑफस्प्रिंग का हमें जीनोटाइप पता करना है उसी को क्रॉस करेंगे हम रिसेसिव पेरेंट से। फॉर एग्जांपल हमारा ऑफस्प्रिंग टॉल है फिर हम क्रॉस करेंगे, अगर हमारा ऑफस्प्रिंग ही ड्वार्फ है तो हमें पता है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी, है ना, होमोजाइगोसिटी में स्मॉल टी फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। तो इस केस में तो हमें टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। हाँ जी, तो यही था इसका मतलब एंड यही थी इसकी एप्लीकेशन। नाउ Let us go further to our presentation. हाँ जी, तो ये देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कंडक्टेड ए टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। यस, तो F2 का जो जीनोटाइप था, सारे जो फ्लावर्स थे बेसिकली वो थे वायलेट, है ना, हमें पता नहीं था ये होमोजाइगस वायलेट है या हेट्रोजाइगस वायलेट है। तो इसी चीज को पता करने के लिए उसने क्या किया, F2 जीनोटाइप का टेस्ट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया, तो उसने देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस हो रहा है, तो उससे उसको पता चल गया कई ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, वो रिसेसिव है, जिसके जिससे पता चल गया कि जो हेट्रोजाइग जो हमारा बेसिकली ऑफस्प्रिंग है दैट इज हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट मतलब छोटे यूनिट्स, दीज आर द फैक्टर्स, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं बेसिकली। अब हम इनको एलील्स बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने इसका नाम दिया था फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर मतलब जीन्स है, इसने जीन्स की बात की है, जैसे जीन्स अकर इन पेयर एंड द पेयर ऑफ जीन इज नोन एज अलील। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर इज द डोमिनेट एंड अदर मेंबर इज द रिसेसिव वन। तो अगर पेयर ऑफ फैक्टर है जैसे टॉल एंड ड्वार्फ दो कैरेक्टर्स हैं, तो टॉल वाला क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ वाला क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब दोनों में से कोई एक कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। This is the law of dominance. Law of dominance है क्या basically? Law of dominance है in the heterozygous condition, the offspring always expresses the dominant character. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो बता रहा है कि जो हमारे पेयर्स हैं, चाहे हमारे पास कैपिटल टी होमोजाइगस है, चाहे हमारे पास हेट्रोजाइगस है ड्वार्फ कंडीशन, चाहे हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स में सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक्स एंड वाई की। स्पर्म्स के अंदर क्या होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। जो जब स्पर्म्स बनते हैं तो कई स्पर्म्स के अंदर एक्स होता है और कई स्पर्म्स के अंदर वाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम या गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये सारे पेयर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वैसे ही हमारा हर चीज का जो पेयर है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि सपोज करो अगर मेरी आईज ब्लैक है, मेरी आईज होमोजाइगस ब्लैक है, हेट्रोजाइगस ब्लैक है, मेरे पास
मेरे पास ब्राउन या ग्रीन आइस का भी फैक्टर है, ठीक है, बट गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. हो सकता है कि मेरे ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ग्रीन वाला कैरेक्टर चला जाए एंड उसकी आइस क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए. ये क्यों होंगी, ये होंगी ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर पेयर सॉरी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर इन पेरेंट्स एंड सेग्रीगेट टू फॉर्म ईच अदर इन अ गैमीट. मतलब जब इन्होंने जायगॉट बनाना है तब ये करेंगे मीट, पर जब इन्होंने गैमीट्स बनाने तब ये करेंगे सेग्रीगेट. होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट्स. अब जो होमोजाइगस टॉल है उसके पास तो सारे ही टॉल वाले होंगे, और जो हेट्रोजाइगस टॉल है उसके पास आधे टॉल वाले होंगे आधे स्मॉल वाले होंगे, ठीक है. हेट्रोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स, each having one allele with equal proportion, each having one allele with equal proportion. Students, this is very important. Isko as it is aapne yaad karna hai. As it is you have to remember. Law of segregation ka matlab separate hona, segregate hona, tootna, alag hona. To जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो हमारे सारे alleles जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. हर गैमीट के अंदर एक ही allele आता है, पेयर का, पेयर ऑफ जीन्स का एक ही पार्ट आता है, ठीक है. This is the law of segregation. Inheritance of two genes. Inheritance of two genes में हम देखते हैं. इसमें अब मेंडल ने क्या किया था? Two pairs of contrasting characters लिए, two pairs लिए. जैसे कि color round मतलब कि उसकी shape भी ली and yellow मतलब color भी लिया. Wrinkled green में उसने shape भी ली और color भी लिया. ये देखो, दिस इज द रिंकल्ड ग्रीन वाला मटर, दिस इज द येलो राउंड वाला मटर. येलो राउंड वाला मटर जो होता है वो डोमिनेंट होता है वहां पे जहां पे मेंडल प्रेजेंट था. यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है ये. हाँ, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऐसे मटर देखने को मिलते हैं, गार्डन पीस, पाइजम सैटिवम. अगर आप पाइजम सैटिवम को देखोगे, जो मटर हम खाते हैं ना उससे नहीं रिलेट करना है, दैट इज नॉट दिस वन. वो कोई और स्पीशीज होती है जो मटर हम खाते हैं यहाँ पे इंडिया में. बट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाइजम सैटिवम भी पाया जाता है, दैट इज द ग्रीन पी. हम बेसिकली जो खाते हैं दैट इज द स्वीट पी. ओके स्टूडेंट्स, सो let us go to the next point. It is a cross between two parents differing in the two pairs of contrasting character. Isme usne kya kiya, dono characters liye hain, color as well as the shape of the seed. The two genes ke andar, inheritance of two genes ke andar kya hota hai, homozygous. Isne fir se pure line li hai. Pure line ka matlab ki homozygous parents hi leni hai, heterozygous nahi leni. Pure line li hai, ट्रू ब्रीडिंग ली है. तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई. होमोजाइगस में स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है. अब जब गैमीट्स बनेंगे तो सेम सेम गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स क्या है, होमोजाइगस है. हमने पढ़ा है कि जब पेरेंट्स होमोजाइगस होते हैं तो उनके गैमीट्स क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं. इसमें सारे जो गैमीट्स बनेंगे दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें सारे गैमीट्स जो बनेंगे दे विल बी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है. अब ये जब मीट कर जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म राउंड एंड येलो आएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म राउंड एंड येलो. बट सारे ऑर्गेनिज्म ही क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे. देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के अंदर हमें राउंड एंड येलो कैरेक्टर मिल रहा है, सारे ऑफस्प्रिंग क्या है, राउंड एंड येलो है. लेकिन उनकी जो गैमीट फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, डिफर कर रही है. वो डिफर हो रही है. वो कैसे डिफर हो रही है, लेट अस सी. अब जब F1 ऑर्गेनिजम्स की हम सेल्फिंग कराएंगे तो इसके बनेंगे चार टाइप के गैमीट, चार टाइप. फर्स्ट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकेंड होगा कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, नेक्स्ट होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उससे लास्ट वाला होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये चार टाइप्स के गैमीट्स दोनों ऑफस्प्रिंग्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं. अब F2 जनरेशन के अंदर जब होगी मीटिंग, जब हो गई हाइब्रिड फॉर्मेशन, तो क्या होगा, लेट अस सी. ये देखो,
अब भाई कर गए ये मीट, तो हमारी रेशियो क्या हो गई, ये है राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो. दिस इज वन ऑर्गेनिज्म दैट इज रिंकल्ड एज वेल एज ग्रीन. ये राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन. दिस इज रिंकल्ड येलो, दिस इज रिंकल्ड येलो, एंड दिस इज रिंकल्ड येलो. तो रेशियो क्या आ गई हमारी स्टूडेंट्स, रेशियो आ गई 9:3:3:1. 9 ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले. 9 ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर वाले कौन से, ये वाले, ये सारे जो 9 के 9 है दे आर द डोमिनेंट. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 है जो ये है डोमिनेंट. दूसरे कलर से डिनोट करती हूँ, रिसेसिव. ये एक है बेचारा, दैट इज द रिसेसिव, टोटली रिसेसिव रिंकल्ड ग्रीन, सिर्फ एक ही है. नाउ विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कलर लेट मी डिनोट. ये रिंकल्ड येलो है, 3 ऑर्गेनिजम्स, एक कैरेक्टर डोमिनेंट, एक रिसेसिव. ठीक है, एंड ये 3 है, ये भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट, एक रिसेसिव. ठीक है, तो इससे हमारा बना नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट लॉ हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट बेसिकली एक और वीडियो पे. उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे रिलीज कर रहा है इनटू द डिडक्शन, इनटू द डिड्यूसिंग ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस.